राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC। देखिए, जैसे कि हमें कोई नेम दिया जाता है IUPAC नेम और उसका हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो हम किस तरह से उसे राइट डाउन करेंगे, जो कि हम आज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ये कैसे पता लगता है कि हमारे जो नेम है उसमें मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट क्या आ रहा है। यानी मिथ के लिए एक कार्बन लगेगा, इथ के लिए दो, प्रॉप के लिए थ्री कार्बन का यूज होगा। सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जो चेन है उसको नंबर देने पड़ते हैं। दोनों डायरेक्शंस में देखे देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में नंबर्स होंगे। ये डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है और बॉन्ड कहाँ पे कनेक्टेड है। इस तरह से हमें उसे नंबर देखने हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सुफिक्सेस को, कि हमारे जो नेम है उसमें एन यानी कि सब सिंगल बॉन्ड में है, इन से यानी कि कुछ डबल बॉन्ड है, या आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये दिए हुए हैं या नहीं है, और दिए हुए हैं तो कौन से नंबर पे दिए हुए हैं, और उस नंबर पे हमें एन इन या आइन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप जो अगर हमारे नेम में है तो उसकी पोजिशन कौन सी है, उसे हमने आइडेंटिफाई करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें उसमें बताना पड़ता है। और नेक्स्ट होता है कि लास्ट स्टेप जो होता है, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसमें अब लगाए जाते हैं, जिससे हमारे पास एक IUPAC नेम कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, हमें ड्राइव करना है स्ट्रक्चर पेंट 4-ईन-2-ऑल, यानी पेंटेनॉल। पेंट मतलब 5 कार्बन, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। तो हमने क्या करना है, 5 कार्बन, सिर्फ 5 कार्बन लेने हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हमें फॉलो करना है कि इसको नंबरिंग देनी है। तो स्टेप नंबर 2 में इसको नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5। आइदर डायरेक्शन में दे सकते हैं, यानी कि 1 से 2 इस तरह से भी देख सकते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। लेकिन नंबरिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो है ये हमारे फॉलो करते हों, यानी हम दोनों डायरेक्शन में वैसे तो नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमने इन और ऑल ये जो हमें नेक्स्ट दिए गए हैं हमारे नेम में उसको हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, तो हम आइदर डायरेक्शन में इसकी नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें ये देखना है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप या फिर जैसे कि ऑल दिया गया है, यानी अल्कोहल है हमारे नेम में OL, 2-ol, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2-ol, यानी कि 2 नंबर पे ऑल, यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पे है, जिसको हमने सेकंड नंबर पे लगा देना है। यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। थर्ड के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, उसमें सुफिक्सेस दिया गया है इन, यानी कि एन नहीं है, इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, यानी फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल के हम डबल कर देंगे, ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। लास्ट स्टेप है कि अब हमारे पास क्या हो गया, पेंट कंप्लीट हो गया, इन भी हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, ऑल भी यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमारा नेम कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को लगाना है। जो हाइड्रोजन है उन्हें क्या करना है, चेन में लगाना है। तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H3 साइड में H3 आता है, यहाँ पे H2 आएगा। H2 क्यों आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल नहीं है, सिंगल होता तो 3 आता, डबल आ गया है तो एक एक H कट जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा।
यहाँ पे 1H, यहाँ पे H2, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया है इसलिए एक H कम हो गया, यानी कि H2 की जगह H लगा दिया और OH आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया पेंट फोर इन टू ऑल का। अब एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है 3-nitrocyclohexene, 3-nitrocyclohexene, यानी इसको बनाने के लिए हमारे पास हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन बनाना पड़ेगा सर। साइक्लोहेक्सेन है ना, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब हमने देनी है इसकी नंबरिंग, इसकी नंबरिंग हम स्टेप टू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी कॉर्नर्स पे इसकी नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें दिया गया है इन। अब इन का कोई नंबर नहीं दिया गया कि ये किस नंबर पे है, साइक्लोहेक्सीन दिया गया है, इसमें कोई नंबर नहीं है कि वो 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, नंबर नहीं दिया गया। जब कोई नंबर नहीं दिया जाता तो जो डब इन यानी कि डबल बॉन्ड है तो 1 नंबर पे उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टेप 3 में यहाँ पे इन का यानी कि एक बॉन्ड लग जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप 4, स्टेप 4 में दिया गया 3-nitro यानी 3 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो यानी कि यहाँ पे 3 नंबर पे NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो ये बन गया है 3-nitrocyclohexene। इस तरह से हमने जो IUPAC नेम से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।